इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, जो कि पहला टेस्ट मैच खेलने जाने वाला है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, उससे ठीक पहले एक बेहद बड़ी खबर आई है। ठीक 4 दिन पहले उस टेस्ट मैच से इंडिया के स्टार खिलाड़ी, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर द वन एंड ओनली विराट कोहली वापस लौट चुके हैं, घर वापस आ चुके हैं वो इंडिया में। जी हाँ, ये एक बेहद बड़ी खबर आई है। अब वो वापस आए हैं ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। रीजन क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता, फैमिली इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो वापस इंडिया आए हैं। अभी भी इसमें मोर डिटेल्स जो हैं वो अवेटेड हैं, ज़्यादा पुष्टि कही नहीं गई है। बस इतना ज़रूर पता है कि विराट कोहली वापस आ चुके हैं। पर अब विराट कोहली इस टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या इस ठीक टेस्ट मैच से पहले वो अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल है, क्योंकि टेस्ट मैच बेहद बड़ा है। दोबारा वापसी हमें देखने को मिलने वाली थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की, जब वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुआ था। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मैच खेले ही नहीं है, और अब विराट कोहली खेलने वाले थे, पर उस मैच से ठीक पहले विराट कोहली वापस आ चुके हैं इंडिया। अब ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। साउथ अफ्रीका के भी देखिए स्टार बल्लेबाज जितेंबा बवुमा भी वहां पे खेलने वाले हैं इस टेस्ट मैच, और इंडिया के बड़े खिलाड़ी बुमराह खेलने वाले थे, रोहित शर्मा खेलने वाले थे, विराट कोहली खेलने वाले थे, पर विराट कोहली अब आपको खेलते हुए दिखेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर सबसे बड़ी न्यूज फिलहाल यही है कि विराट कोहली वापस आ चुके हैं इंडिया, और एक पर्सनल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो वापस आ चुके हैं। अब लोगों ने ट्विटर पे बहुत सारा हंगामा करना शुरू कर दिया, सबने अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं। रीजन क्या है, जैसे ही बाहर आएगा सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कंट्री पर।